रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। मारू नाम जे करण एंड आई हैव दिस क्यूटेस्ट कपल, और दोनों को है ना इंट्रोडक्शन के लिए वैसे मैंने कुछ शायरी वायरी लिखा है तो मैं सुनाना चाहता हूँ। अरे इरशाद इरशाद इरशाद, इनके गाने और स्टाइल में मतलब कोई नहीं देता इनको टक्कर, मेरे साथ नेहा कक्कर और रोहन प्रीत के लिए भी। इनके गाने और स्टाइल है एकदम ट्रीट, मेरे साथ रोहन प्रीत। बस सडनली ट्रैफिक में ये हो जाता है मुंबई के। पता है मैं तो ये इमेजिन कर रही हूँ, रोहू अपने पंजाबी में बात कर रहे हैं, आप अपने गुजराती में बात कर रहे हो, मतलब दोनों को कुछ नहीं समझ आ रहा है पर मजा आएगा। ऐसे टाइम पास है, लेकिन ये गाना जो बनाया बहुत जबरदस्त लग रहा है मेरे को। इतनी जो हुक लाइन है इतनी कैची लगी है, ऐसा तुरंत नाचने का मन करता है। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि आप दोनों को साथ में गाना करना है? मतलब कौन पहले सुनता है, कौन पहले बोलता है एक्चुअली हम दोनों ये ना गाना साथ में करते हैं? नहीं तो बेसिकली ये गाना रोहू ने बनाया है, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कंपोज किया है। तो द मोमेंट आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज लाइक, रोहू ये तो हम दोनों ही कर रहे हैं, मतलब ये गाना तो हमारे लिए ही है। तो मतलब सुन के ये मतलब वी वर श्योर कि हम ही करेंगे। सो लाइक तो आपके मन में रोहन कुछ और था, किसी और के साथ करना, इन्होंने भी हाँ बोल दिया तो बोले अरे मतलब मैं तो वो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मेरे को लगते नहीं एक्चुअली नेहू से बेहतर मेरे को कौन नहीं मिल सकता। और ये गाना जो है नेहू और मैंने हम दोनों ने मिलकर बनाया है। लाला सिर्फ लाला मेरी लाइन है, बाकी सारा रोहू ने बनाया है। सो या तो आप अपने में से क्या ले आए, बिकॉज़ जब भी नेहा कक्कर की बात करते हैं ना, एक गाने में दो चीजें, मतलब लिटरली मैं रेडियो पे बोलता हूँ कि नेहा कक्कर की जो एंड में हंसी आती है ना एंड में, जो अदाएं आप डाल देती है, जो स्माइल है आपका, जैसे शाहरुख खान का वो स्टैंडर्ड है, तो नेहा कक्कर की एक स्माइल जो है ये वाली, ये आना है। क्या क्या एड ऑन करती है आप जब एक गाना गाती है इसके लिए? और रोहन ने बोला यार दीदी मैंने तो सोचा ही नहीं था वैसा गाने वाली। हाँ जैसे रोहू को ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, जब वो जद तेनू देखिया, तो वो रोहू की लाइन है, फिर जद मैनू देखिया तू हौली हौली तुरदे नी मोर सीटियां सी मार दे झांझर च मेरी बड़ा नखरज लगदा सी मुंडिया दे दिल जिन्ने साड़ते। सो यार मैं एक्चुअली लिरिक्स सुन के ना मुझे अपने आप ही आता है कि यहाँ पे मुझे ये करना है, यहाँ पे मुझे ये करना है, एंड आई डोंट प्लान, वो बस While I'm singing, वो मैं आ जाता है, मुझसे हो जाता है, so it is there in me. आप जब ये गाना कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे बनाना है, इन्होंने जो गाया है आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़े इनको कि अपने आप ये माइक में शुरू हो गए गाते हुए? नहीं नहीं मेरे को तो क्या इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी मॉडर्स बन रहे हैं, मतलब है ही ऐसे ऐसे ही बोलते हैं, बट बात नहीं बेबी मुझे क्योंकि जो पंजाबी इन्होंने लिखी है रोहू ने वो बहुत ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे वैसे दिल्ली वाली पंजाबी आती है बट वो पंजाब वाली टिपिकल पंजाबी मुझे नहीं आती है। मैं मुंबई गुजराती, गुजरात वाला गुजराती मेरे को आता ही नहीं, जानता ही नहीं। एग्जैक्टली, तो वैसे ही होता है, तो ये वाली पंजाबी बहुत ही ठेठ पंजाबी है, तो वो जब मैं गा रही थी तो ऐसे हो रहा था, तो रोहू मुझे बताए थे नहीं नहीं ऐसे नहीं, जब तेनू वेखे मैं हौली हौली तोर दे मोर पे सीटियां सी मार दे सो लाइक दैट, तो ऐसे ऐसे करके रोहू ने मुझे बताया था। कैसा लगा ऐसा वाइफ को जब बोलते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं? दिस इज द ओनली टाइम बोल पाते हैं बेचारे। तू कर ले मेरी बेइज्जती कर ले कैमरे सामने। लेकिन आपको सच बताना, वो गाड़ी जो व्हाइट कलर की है ना, मेरे को देख के इतना कमाल लगा, ऐसा क्लासिक विंटेज वीडियो में भगा के बड़ा मजा आया। वो एक दोनों के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कवर की आपने शादी के बाद, जो शायद एक होता है ना कपल करना शुरू करता है, क्योंकि आपका डेटिंग पीरियड भी थोड़ा कम था। राइट, बहुत ही कम था, 2 महीने। तो फिर क्या क्या चीजें डिस्कवर की? मैंने रोहू के बारे में पर्सनली तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें डिस्कवर की। ये डिस्कवर करने वाली बहुत अच्छी चीज है जो कि मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड की जनता के लिए भी बहुत अच्छा, बिकॉज एवरीबॉडी लाइक्स एंटरटेनमेंट, लाइक्स म्यूजिक। तो रोहू की ये चीज मैंने डिस्कवर की कि ये गाने बहुत अच्छे बना लेते हैं, वो उनको भी नहीं पता था, उनको भी मैंने डिस्कवर कराई। सो यार ये पहला गाना है जो रोहू ने लिखा है लाला, और अब ये बहुत गाने लिख रहे हैं और ऑडियंस के आगे आने वाले हैं, पीपल आर गोइंग टू लव देम, तो ये चीज मैंने डिस्कवर की है। आपने रोहन? मैं भी अभी खुद को ही डिस्कवर कर रहा हूँ इनके थ्रू। अच्छा, ये बताते हैं, अच्छा तू ऐसा भी तू ये भी कर सकता है। हाँ सच में, ये भी बात होती है यार। ये सबसे पहले तो टैटू वाला आइडिया कहाँ से आया? ये मतलब शादी नहीं हुए, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इसमें, नेहूज मैन लिखा है, ये कब बना और कैसे गिफ्ट कैसे दिया आपने, क्या होता मैं बताऊं? अच्छा,
तो शादी जब हमारी हुई थी अक्टूबर में हुई थी, और उसके कुछ मंथ्स के बाद वैलेंटाइंस डे आया और मुझे सरप्राइज मिला कि ये टैटू. मुझे ये था कि ये वीवर इन चंदी और समवेयर हम होटल रूम में थे, हाँ, और फिर रोहू बाहर कुछ करा रहे थे. मुझे लगा था कि समथिंग इज हैपनिंग, ही इज लाइक बाहर मत आना बाहर मत आना. सो द मोमेंट आई केम आउट एंड इट वाज देयर ऑन हिज आर्म एंड आई वाज लाइक वाओ हाउ स्वीट, बहुत ही अच्छा. और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा हस्बैंड के हाथ में ऐसा हो और वो देखो फन की बात पढ़ ली और सीधा टैटू बना लिया. रोहन, इफ यू आर नॉट मैरिड, किल मैरी हुकअप, इसमें से किसको किल करते, शादी करते, हुकअप करते, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो? मतलब समझा नहीं. अच्छा, नहीं समझे. जोनिता गांधी, जोनिता गांधी, क्या जोनिता गांधी मतलब? किसकी बात कर रहे हैं मतलब? किल मैरी हुकअप, किसको किल करेंगे, किसके साथ शादी करेंगे, किसके साथ हुकअप करेंगे? प्रभा ज्योतियां जरूर पहुंच गया.